जय हिंद साथियों, जोहार नवोदय विद्यालय 2025। साथियों बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, लगातार व्हाट्सएप पर लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया हम कैसे तैयारी करें, नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन कैसे ले लें, इस चीज़ को लेकर बताइए। साथियों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगा। मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं बिलोंग करता हूँ जोहार नवोदय विद्यालय से, और आप सभी के बारे में नवोदय विद्यालय के पल पल की अपडेट सबसे पहले देता हूँ। नवोदय की तैयारी कैसे करनी है, नवोदय विद्यालय में क्या क्या चीज़ें होती है, सब कुछ आपके कमेंट के अनुसार वीडियो बनती है, और 100% ऑथेंटिक जानकारी और रियल जानकारी आपको यहाँ के अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिल सकती। चलिए बताता हूँ आप लोगों को कैसे क्लास 6 वाले बच्चों को नवोदय में तैयारी करना है। देखो यार, पहली नंबर आप इतना बात को जरूर ध्यान रखना जो मैं बताने वाला हूँ, उसको अगर आप फॉलो करते हो तो 110% नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगी, गारंटी है हमारी। जानते हो मेरे भाई, मैं एक वीडियो का आगे सीख वाले एक और बात बताना चाहूँगा। हम और अपने दो भाई, यानी टोटल हम 3 भाई होते हैं। हालांकि बहुत लोग कमेंट भी किए थे आपकी बहन नहीं है, तो नहीं है मेरी बहन कोई अपनी नहीं है, और ऐसे भी मेरे चाचा भी नहीं है, ऐसे तो समझो कि अपनी बहन है ये नहीं है, तो ऐसा कुछ है मैं बता रहा हूँ लोगों को, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा था। तो और मैं इतना कहना चाहूँगा साथियों, नवोदय विद्यालय का जो अभी इस बार कक्षा 5वीं में जो बच्चे गए हुए हैं, 2000 न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है मार्च से, अभी जो कक्षा 5वीं में पढ़ाई कर रहे हैं साथियों, बहुत फैमिली ऐसे कमेंट करते हैं मेरे पास, भाई बहुत लोगों ने कमेंट किया कि आप मेरे बच्चे के नवोदय में सिलेक्शन करा दो, मैं आपके लिए, मतलब बहुत अजीब अजीब बातें लिख रहे थे, एक इमोशन से जुड़ी बातें। मैं साथियों आपको बिलीव नहीं करूँगा, कल रात के बहुत लोगों का कमेंट आया, कमेंट तो यहाँ पे डायरेक्ट दिखा नहीं सकता हूँ, मैं फिर भी जाकर देख सकता हूँ, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, जाकर देख लेना, वहाँ पर मैं डाल दूँगा। ऐसे लोगों ने कमेंट किया कि मेरे बच्चे को नवोदय में सिलेक्शन करा लीजिए, मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। बहुत लोगों पेरेंट्स ने भी मेरे को बताया फ़ोन करके कि भैया मैं बहुत बेरोजगार हूँ, मेरे घर में स्थिति ख़राब है, मैं नवोदय में जाना चाहता हूँ, बहुत लोगों ने ऐसा कहा। चलिए सब कुछ उपाय बताता हूँ, अगर मेरी बात को आप फॉलो करते हैं ना, 110% गारंटी नवोदय में सिलेक्शन दिला देंगे, ये 100% गारंटी है। देखो यार, पहली नंबर आप ये बात मन से हटा लेना कि नवोदय में सिलेक्शन आपके कहने से होगा, यानी मेरे कहने से होगा। नवोदय में सिलेक्शन CM, PM और विधायक सांसद किसी का पैर भी नवोदय में सिलेक्शन नहीं होता है, एक केंद्र सरकार द्वारा शासित स्कूल है, इसमें किसी प्रकार का घूस वगैरह जो भी आप लोगों को लगता है इस प्रकार से कुछ भी नहीं होता है। आपका बच्चे का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में जब भी होगा, नवोदय विद्यालय में आपका एग्ज़ाम का पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद इसको एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, तभी जाकर नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा। इसका सबसे बहुत बड़ी बात आपकी मैं बताता हूँ साथियों, हालांकि क्या होता है मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि साथियों मैं इस बार ही क्लास 12 से निकल चुका हूँ। देखो पहली नंबर आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी आपके पास बहुत कम समय बचे, रियल रूप से कम समय बचे। सच्चाई ये भी है कि मैं भी जब नवोदय की तैयारी कर रहा था 2017 में, तो लगभग हमने 2017-16 में तो लगभग हमने 1.5 साल तैयारी किया था जब लगा कर, सच्चाई है 1.5 साल से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। लेकिन अभी आपके पास समय कितने हैं, मात्र 6 महीने हैं, और 6 महीने में मैं कहूँ आप जितना हो सके ना, आप किसी भी किताब को खरीदो जो आपको अच्छा लगे। बहुत लोग क्या कर रहे हैं मेरी बात को सुनना, बहुत लोग YouTube पर प्रमोशन करने के लिए किसी कंपनी का नाम धरकर वो पैसा लेकर बता रहे किस किताब खरीदो, इस किताब से खरीदो। मैं कभी किसी का गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन ये गलत चीज़ है, क्योंकि आप लोग का सपना है नवोदय विद्यालय में जाने के लिए, और आपको जहाँ से भी लगे कि आपको YouTube पर कोई वीडियो आपको अच्छा लगे, कि जहाँ से आपको नॉलेज मिले, जहाँ समझ में आए, या फिर कोई किताब अच्छा लगे जो नवोदय की तैयारी करने के लिए बेहतर हो, वो आप उसको परचेस कर लें और उसी को तैयारी करने में लग जाए, क्योंकि 6 महीने बचे हुए हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा मेरे भाई, देखो यार, हर एक फैमिली एक कैपेबल फैमिली नहीं होती, हर एक फैमिली आपके 7 साल का खर्चा उठाने में एक रियल रूप से, सच्चाई है ये भी है कि आपके स्वभावित नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी वो अब माँ बाप होते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को कभी दुख नहीं देना चाहते, इसलिए आपका खर्चा उठाते हैं, रियल बात यही है, सच्चाई यही है। तो मैं आपको कहूँगा नवोदय विद्यालय में जब आ जाओगे, तो सच्चाई है कि आपका नवोदय विद्यालय में जब सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नवोदय विद्यालय में, फ्री ऑफ कोर्स पढ़ाई लिखाई से लेकर खाना पीना से लेकर सब कुछ। बहुत लोग अफवाह फैलाते हैं नवोदय विद्यालय के बारे में कि नवोदय विद्यालय ऐसा है वैसा है इस चीज़ को लेकर, लेकिन हकीकत में नवोदय विद्यालय नंबर 1 है, था और रहेगा, इसका कंपेयर किसी भी विद्यालय से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मैं खुद वहाँ का छात्र रह चुका हूँ और मेरे दो भाई वहाँ पर ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमसे बेहतर शायद ही आपको कोई बता सकता है। तो ये बात रही आप लोगों के लिए। और देखो यार, अभी 6 महीने मात्र बचे हैं ना, अभी 1 महीने के बाद इसका फॉर्म आ जाएगा नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का, तो उसमें क्या कैपेबल है, 3, 4, 5 क्लास एक के स्कूल से बच्चा पढ़ा होना चाहिए, वही बच्चा फॉर्म भर सकता है। और एक और जरूरी बात है, यहाँ पर आपके बच्चे होंगे या फिर जो भी होंगे, वो आपका जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे होंगे वो स्कूल मान्यता प्राप्त होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए कि हाँ विद्यालय ऑथेंटिक विद्यालय होने चाहिए। आप मेरी बातों को समझ सकते हैं, गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से फॉर्म भर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल से भी फॉर्म भरा जा सकता है, लेकिन उस प्राइवेट स्कूल में पता लगाना पड़ेगा आप लोगों को कि उस स्कूल पर मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं है,
इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। अब मेन टॉपिक और आता है साथियों, देखो यार 6 महीने में कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले मैं एक चीज़, आप मेरा रूटीन को फॉलो करोगे तो शायद हो सकते हो मैं भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आपको जो अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि 6 महीने के अंदर आप कोई भी पार्टी, कोई भी शादी, कोई भी अटेम्प्ट नहीं करो तो बेहतर है। एक जहाँ पे ट्यूशन पढ़ रहे हो 2-3 घंटा रेगुलर पढ़ो, मतलब कि ट्यूशन है मैं बता रहा हूँ, और क्योंकि ट्यूशन से बहुत बेनिफिट मिलता है ट्यूशन पढ़ने से। आपका क्लास 5वीं का 6वीं 6ठी का मैथमेटिक्स बुक होगा उसको कंप्लीट करो। आपका नवोदय विद्यालय का जितना बुक होगा ना, पहले मेरी बात को सुनना। देखो उसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता है, बच्चे हार्ड बना लेते हैं, समझ में ना, हार्ड कुछ भी नहीं होता, हार्ड बना लेते हैं। आपके पास आती है वो मात्र, देखो 12-13 सिलेबस होती है, चैप्टर सिलेबस होती है, ज़्यादा तो नहीं होती है मैथ से रिलेटेड। रीजनिंग वैसे भी कंप्लीट होती है, रीजनिंग आप लोग 1 महीने में अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, धुंधा चढ़ा दोगे। गधांश भी मैथ में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैथ थोड़ा टफ पूछा जाता है, हार्ड पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है कि मेरे सेशन यही रहेगा कि अभी 6 महीने आपके पास बचे हुए हैं, क्योंकि आपका जनवरी में एग्जाम हो जाएगा, तो आपको दिसंबर तक कैसे भी करके उसको पूरा तैयारी क्लियर कर देना है। दिसंबर के हाफ दिसंबर तक, यानी 15 दिसंबर तक पूरा तैयारी कर लेना। वो कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो 1 महीने में अगर 2 चैप्टर कंप्लीट करते हो, जैसे चैप्टर भी इतना हार्ड नहीं होती है, वो आपको मैं बताऊंगा अगले वीडियो आने वाले वीडियो में कैसे तैयारी करना है, क्योंकि एक ये आपको शॉर्ट दे रहा हूँ, एक चीज़ बताना हो रहा हूँ आपको। कम से कम आपका जैसे चैप्टर होगा दशमलव विनतव, रीजनिंग, ये प्रकार का चैप्टर होगा, LCM SCF होगा, तो छोटा छोटा चैप्टर है जो आप लोगों को अच्छे तरीके से जानकारी होगी ही। और मैं आपको कहूँगा कि 1 महीने के अंदर पूरा अगर कफन बांध के बैठ जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, 3 महीने के अंदर पूरा नवोदय की तैयारी कर सकते हो। लेकिन आपके पास है 6 महीने, सोचो बहुत अभी समय बचे, लेकिन बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है अगला व्यक्ति भी आपके साथ तैयारी कर रहा है। तो आपको सब कुछ देखते हुए आपको आज से ही लग जाना है, 5 महीने लगातार प्रैक्टिस करो 2.5 दिसंबर के हाफ तक, उसके बाद लग जाओ प्रैक्टिस मॉडल सेट पेपर की, खूब मॉडल सेट पेपर बनाओ, खुद प्रैक्टिस सेट पेपर बनाओ, उस समय आपका भाई आपको सजेस्ट करते रहेगा। और देखो जितना हो सके आप ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करो, क्योंकि देखो यार जो बच्चे अर्बन क्षेत्र से होंगे, जैसे मैं खुद अर्बन क्षेत्र से हूँ, और हाँ जो बच्चे अर्बन क्षेत्र से होंगे जैसे मैं खुद अर्बन क्षेत्र से था, और हम तो तीनों भाई मिलकर अर्बन ही क्षेत्र से था, सारे क्षेत्र के मैं बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ उस समय 2016-17 में मैंने ऐसे एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस एग्जाम नवोदय विद्यालय का, उसमें फॉर्म हमारे यहाँ भराया था 5000, लगभग 5500 फॉर्म भराया था, 5300 के आसपास, जिसमें से शहरी क्षेत्र से सीट था मात्र 2 बच्चों का, 40 बच्चों का उसमें सीट रहता था, अभी तो 80 हो गया है ना, उसमें से अभी भी फिलहाल साथ वो 4-5 बच्चों का ही शहरी क्षेत्र से लिया जाता है, और उसमें आपको कंपटीशन निकालना है, बहुत टफ हो जाती है शहरी क्षेत्रों वालों के लिए। तो आपको ये सब चीज़ें देखते हुए चलना है और मेहनत करो लगातार। आप देखो यार अगर 6 महीने आप जीव जान लगा कर दे दोगे ना, 7 साल का ज़िंदगी और फ्यूचर सब कुछ सेट हो जाएगा। आपका नवोदय विद्यालय ऐसा स्कूल है जहाँ मैं मानता हूँ कि एक बोलो कि दुनिया में कहीं भी घूम जो जन्नत का नाम सुने हो ना, सेकेंड नाम मैं नवोदय विद्यालय को देता हूँ इसका, तो सोच सकते हो मैं क्यों देता हूँ। तो नवोदय विद्यालय मेरे लिए सबसे बेस्ट, जिसके तहत मैं आज कहाँ पर भी हूँ सब नवोदय का देन है। भाई आप क्या मेरे को लगता है मैं ज़्यादा टॉपर हूँ, तेज हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नवोदय का जो देन है ना भाई, वो रियल रूप से मेरे लिए सब कुछ है, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए नवोदय विद्यालय जो चीज़ दिया है। तो आप नवोदय विद्यालय में जाइए, एडमिशन लीजिए, वहाँ पर पढ़ाई कीजिए, वहाँ के ख्वाब भाई आपको बता रहा हूँ कि आपको स्पोर्ट्स फील्ड में जाना चाहते हैं, आपको घर से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है वहाँ जा सकते हैं, आपको म्यूजिक में जाना क्षेत्र है वहाँ से जा सकते हैं, अरे सब कुछ वहाँ पर, जो चीज़ में आप कदम रखें वो कदम आपका हो जाए, ऐसा है वहाँ का नवोदय विद्यालय। कहीं पर भी पूरे ऑल इंडिया के बात किया जा रहा है। आपको छोटी सी भी डाउट लगे नवोदय विद्यालय के ऊपर नीचे कमेंट जरूर करके बताएं। आई होप आप मेरी बातों को समझ दे सकते हैं और नवोदय की तैयारी करने में जरूर लग जाए। मेरा यही रहेगा, कामना रहेगा ईश्वर से कि आपका नवोदय सिलेक्शन जरूर जरूर हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।